काश तू पैदा होते मर जाता। तूने आज तक शराब पीने और मेरी मेहनत की कमाई लुटाने का अलावा और क्या क्या है? इतनी दौलत है तुम्हारे पास, मर के क्या उसे अपने साथ लेके जाओगे? जिंदगी जियो, जिंदगी मजे लो जिंदगी के। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था कि तू जैसी औरत पैदा हुई। जिसे तुम पाप कह रहे हो वो पुण्य आखिरी टाइम पे वही तुम्हारे काम आऊंगा। खैर तुम्हें समझा रहा तो मैं कौन है तू? अंदर कैसे आ गया? चल वहां निकल। अरे ओ हरामखोर, दरवाजा तो बंद कर देता। देख भिखारी अंदर आ गया। चल पीछे। कौन है तू? आज भी आप नहीं बदले। मैं एक IAS ऑफिसर हूं और आपसे वैसे ही बनकर मिलने आया हूं जैसा मैं आपके लिए पहले था। शुक्रगुजार। तू सीधे सीधे बताएगा या हर बात को घुमा फिरा कर बोलेगा? तू आई से इस बात का क्या सबूत है? शायद आपको याद हो, एक विधवा औरत अपने बच्चे के साथ आपके घर काम करने आती थी। वो किसी तरह अपना गुजारा करती थी और आप उसे खूब गालियां देते थे। जो किताबें आप फेंक देते थे उन्हीं से उसके बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस औरत से इतने कड़वेपन से क्यों बात करते थे कि उसे अपने इंसान होने पर शर्मिंदा होना पड़ता था, जैसे कि वो कोई जानवर हो? किसी के घर का काम करके ईमानदारी से रोटी कमाना कोई गुनाह तो नहीं? तुम उसको कैसे जानते हो? क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? अब आप बातों को उलझा रहे हैं। वो एक खुद्दार औरत थी। मुझे पता था जितने रुपये उससे मिलते हैं उससे वो अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ा सकती। मुझे अपने बेटे की काबिलियत का शुरू से अंदाजा था, इसलिए मैं कभी किताब फेंकने के बहाने उसकी मदद कर दिया करता था। उसे पैसे भी देता तो साथ में गालियां इसलिए देता था क्योंकि ये समाज आज भी घरों में काम करने वाली जवान औरतों को एक मजाक ही तो समझता है। अगर मैं उससे प्यार से बात करता तो लोग उसके बारे में गलत सोचते और उसकी खुददारी पर असर पड़ता। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ता था। लेकिन तुम कौन हो? मैं वही हूं जो आपकी फेंकी हुई किताबों से पढ़कर आज यहां तक पहुंचा। पिछले साल मां का स्वर्गवास हो गया और मैं अपने सवाल का जवाब जानने के लिए यहां चला आया। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बोल दीजिएगा, मैं भी आपका बेटा ही और हमेशा रहूंगा शुक्रगुजार। Please like, share and comment. Subscribe के लिए कौन बोलेगा? थोड़ा काम तुम भी कर लो। Please subscribe our channel, Moving Frame Productions.